बाल में घर रहे मेरी सासड़ानी को मारे गए पड़े। सावन का महीना आते ही हरियाणा की महिलाओं को जिस त्योहार का बेसब्री से इंतजार होता है वो है हरियाली तीज। हो भी क्यों ना, इसे हरियाली तीज ही इसलिए कहा जाता है कि सावन के महीने में हर तरह हरी भरी हरियाली होती है। कहा जाता है कि आज ही के दिन भगवान शिव और पार्वती का मिलन भी हुआ था। बड़ी बेसब्री से इंतजार करती हैं बहनें और ये हरियाणा के लिए बहुत ही खास है। सज धज के लड़कियां झूलने जाती हैं स्पेशली। आजकल तो ये कल्चर ख़त्म हो चुका है बिल्कुल ही, लेकिन हम जब छोटे थे हमने भी देखी है ये चीज़ें। बहुत ऊँचे ऊँचे पेड़ होते थे, उन पर सारा दिन झूलते रहते थे। खाना और झूलना और पहनना, ये तीन चीज़ें ही होती थी। और सबसे बड़ी बात है हम भी अपने मामा का इतनी बेसब्री से इंतजार करते थे। वो घेवर लेके आते थे, फिरनी लेके आते थे, बिस्किट पतासे पता नहीं क्या क्या मतलब, और पूरा मतलब एक दो तीन महीने पहले ये हो जाता था कि कोथड़ी आने वाली है माँ की। ये मतलब बहुत विशेषता है इसकी, ये अलग ही है। मीठी तो कर दे हेरी माँ कोथड़ी, मीठी कोथड़ी हेरी माँ, जाऊंगा बेबे के देश, वो सामने आया झूम के हेरी माँ, जाऊंगा बेबे के देश, यो सामने आया झूम के। अभी तो ये मान लो कि 30% भी नहीं रहा जितना, अभी तो दिखावे के लिए होता है। अभी हम ही लगा लो आज, इसलिए कर रहे हैं ताकि बस आगे वाले जो बच्चे हैं वो देख सके, उनको पता हो कि तीज क्या है। बस एक मतलब फॉर्मेलिटी है, लेकिन पहले इसको दिल से मनाया जाता था। हरियाली तीज त्योहार कुरुक्षेत्र के प्रेरणा वृद्धाश्रम में बड़े ही धूमधाम से मनाया। प्रेरणाश्रम में ऐसे बुजुर्गों के साथ मनाया गया त्योहार जिन्हें अपनों ने घर से निकाला। आज एक ऐसी मिसाल भी पेश की जा रही है जिन बुजुर्ग माँ बाप को उनके बच्चे घरों से बाहर निकाल देते हैं और उन्हें दर दर ठोकर खाने के लिए वृद्ध आश्रम की ओर रुख करना पड़ता है। ऐसे परिवारों के साथ आज हरियाली तीज का पर्व मनाया जा रहा है। आपको हरियाली तीज मुबारक हो। आज आप प्रेरणा वृद्ध आश्रम में खड़े हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे वो वृद्ध माताएं हैं, वो बहनें हैं जिनको उनके परिवार वालों ने ठुकरा दिया है, और उनकी मन की जो खुशी है ना उनको बरकरार रखने के लिए उनके मन में ये भाव रहे कि हम अपने परिवार से जुदा नहीं हुए, एक बड़े परिवार में आ गए, इस भावना को लेकर हमारे यहाँ सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। और हरियाली तीज और विशेष तौर पर मनाई जाती है क्योंकि ये हरियाणा का सबसे प्रिय त्यौहार है। आज के दिन बहनें इंतजार करती हैं उनका भाई कोथड़ी लेके आएगा, और उनमें मान सम्मान बढ़ता है उसके परिवार में, और भाइयों के अंदर भी स्नेह की भावना बढ़ती है। एक इमोशनल सा त्यौहार है, हर एक बहन इंतजार करती है कोथली आएगी, मेरा सावन का त्यौहार आएगा, मेरी कोथली आएगी। और इस तरह की हम ये यहाँ भी ऐसे करते हैं, आप अभी दिखाएंगे आपको कि यहाँ भी कोथली लेके आए हुए हैं हम लोग, इनके लिए हम इनके भाई बन के इन बहनों के लिए सबके लिए कोथली लेके आए हैं, आपको अभी टीवी पे दिखाएंगे हम। और कितना खुशी का माहौल है, सवेरे से कल से इनके फ़ोन आ रहे थे भाई साहब होली मनाने, ये तीज मनाने कब आ रहे हो, किस टाइम आ रहे हो। झूला डाला इन्होंने, नाचे कूदे गीत गाए और सारे दिन ये मस्ती चलेगी। और प्रेरणा वृद्ध आश्रम जो है ना इस बात के लिए जाना जाता है, हरियाणवी संस्कृति को बना के रखने के लिए, इन लोगों को अपने घर की फीलिंग ना आए, ये सदा प्रसन्न रहे, इस भावना के साथ यहाँ ये मनाया जाता है। दरअसल ऐसी मान्यता है कि आज ही के दिन माँ पार्वती का भोले शिव शंकर के साथ मिलन हुआ था। तीज पर महिलाओं ने प्रदेश की पारंपरिक वेशभूषा पहनकर झूला झूलने का खूब आनंद लिया और मिठाइयाँ खाई। आपको पता है कि जब सावन का त्यौहार आता है तो धरती माँ जो है वो बारिश की बूंदों से सरोबार हो जाती है और चारों तरफ हरियाली छा जाती है, और औरत का मन भी जो एक महिला हूँ मैं भी झूमने लगता है। सावन का महीना पवन करे शोर, जिया रे झूमे ऐसे जैसे बनमा नाचे मोर। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि इस दिन भाई का इंतज़ार रहता है कि वो कोथली लेके आएगा, जैसे घेवर है, गुलगुले हैं, फिरनी है, वो लेके आता है तो इंतज़ार रहता है कि कब मेरा भाई आएगा, कब मैं उससे मिलूँगी। ये तो एक
बहाना होता है भाई से मिलने का। और ये तीज का त्यौहार शिव जी और पार्वती की पूजा करके सुहागने मनाती हैं और उनकी पूजा करती हैं और अपने लंबे सुहाग की कामना करती हैं। ये इस दिन लोग हरे कपड़े पहनते हैं, औरतें और हरी चूड़ियाँ पहनती हैं, मेहंदी लगाती हैं और पूरे सुहागन बन के झूला झूलती हैं। तो ये त्यौहार जो है भाइयों का त्यौहार है। आगे इसके बाद आज भाई आया तो राखी के समय पे बहनें भी अपने बड़ी उत्सुकता से इंतज़ार करती हैं राखी का और अपने मायके जाने का। चलो गाने क्यों बंद के बाल मैं घर रे मेरी सासड़ रानी को मारे गए पड़े चलो चलो राय मुसाफिर मिल गए मेरी सासड़ रानी कोई झगड़े से बता दें कि कई साल पहले सावन की तीज के मौके पर गांव में मेले जैसा माहौल होता था। महिलाएं घरों से बाहर निकलकर लोक गीतों पर खूब मस्ती करती हैं, पर वक्त के साथ और आधुनिकता के दौर में यह सब पीछे छूट गया है। शहरीकरण की दौड़ के बावजूद गांव में अभी भी यह परंपरा काफी हद तक जीवित है। बुजुर्ग महिलाएं विरासत को संभाले हुए हैं तो नई पीढ़ी अपने तरीके से इसका अनुसरण कर रही है। जहां पहले तीज पर बाजारों में खूब रौनक रहती थी, वहीं इस बार कोरोना की वजह से बाजारों में ज्यादा चहल पहल नहीं है। महिलाओं ने बताया कि पहले सावन लगते ही तीज की तैयारियां शुरू हो जाती थी। तीज महिलाओं की मौज मस्ती का त्योहार होता है। कोरोना के चलते अब की बार घर पर ही पकवान बन रहे हैं। गाँव में झूला झूलते थे सारे इकट्ठे होते इसको ध्यान में रखते हुए गाँव में झूला झूल रहे हैं। पुरानी रीति रिवाज जैसे टीका ले वैसे कर रहे हैं थोड़ा बहुत जितना हो सकता है। कुछ भी बना रहे हैं, सुखालियाँ मतलब पहले सुखाली मटकियाँ वगैरह बनाते थे, अभी बनाते हैं खीर पूड़े सुहाली जो बच्चे खाएँ। इस त्योहार पर महिलाओं के मायके से ससुराल में कोथली ले जाने की भी परंपरा है। तीज को लेकर महिलाओं के उत्साह में आज भी कोई कमी नहीं है। हर कोई अपने परिवार में इस त्योहार को मनाता है। सावन के मौके पर अनेक स्थानों पर झूले सजते हैं और महिलाएं झूला झूलती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले इन त्योहारों को मनाने के लिए वक्त की कोई कमी नहीं थी। मेरी तीन बेटियां हैं, मैंने तीनों बेटी को सावन का सिंधारा दिया और अपनी बहू को दिया रस्सी पिड्डी और हरी साड़ी हरी चूड़ी बिंदी और खाने का सामान ये सब दिया। हम सावन को बड़े दिल से मनाते हैं। अब आज की जनरेशन को शायद बहुत कम। हाँ, हमारे घर में मनाते हैं जी। हम आज की जनरेशन मेरी बेटियां हैं, देख लो लेक्चर आ रहे हैं, पढ़ी लिखी हैं, गवर्नमेंट जॉबों पर हैं, वो भी उनकी भी मैंने कोथली दी है, हरी तीज मनाई है, उसका यूट्यूब पर भी आता है, वो भी मनाते हैं बड़े दिल से। बार बार फ़ोन करती है कहाँ पहुँच गया भैया, तो कहाँ पहुँच गया, और बड़ा दिल से भाई भी जाता है बड़ी खुशी से। बड़ा अच्छा त्यौहार है। बाल मैं घर रहे मेरी सासड़ रानी को मारे गए पड़े दे चलो चलो राय मुसाफिर मिल गए मेरी सासड़ रानी को झगड़े से लाए लगियो मेरी सासड़ रानी कोई
फेरे मोदी जी कदे चल नहीं वहाँ।